रामपुर से एक बड़ी खबर है। गवाह को धमकाने का मामला आजम खान पर आरोप तय। एमपी एमएलए कोर्ट में हुई है सुनवाई। धारा 147 195 ए के तहत चलेगा मुकदमा। 506 120 के बी के तहत चलेगा मुकदमा। अगस्त 2022 में दर्ज हुआ था केस। तो आजम खान पर आरोप तय हुए। सैयद आमिर हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। सैयद, गवाह को धमकाने के मामले में आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई क्योंकि आरोप तय हो गए। देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान, उनकी दिक्कतें जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और अब जो गवाह के धमकाने के मामले में थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था 2002 में, उसमें आरोप तय हो गए हैं। जिन धाराओं में आरोप तय हो गए हैं, गंभीर धाराएं हैं, गवाह को धमकाने का ये मामला है। क्योंकि पहले से आजम खान के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं और सजा भी उन्हें हुई है, तो निश्चित तौर पर जो आजम खान की आज पेशी हुई रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में, वो इसीलिए हुई थी कि उनके ऊपर आरोप तय होना थे। और करीब चार धाराएं हैं जिनमें आरोप तय हो चुके हैं और आजम खान की पेशी भी यहाँ पर हो चुकी है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद आमिर।